हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइजन इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब के अंदर आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है उसको आप स्टॉप कैसे कर सकते हो, उसी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से मैं बता देता हूँ कि ये सर्च हिस्ट्री स्टॉप करने का मतलब क्या है और इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप YouTube पे कुछ सर्च कर रहे हो, वो आपकी कोई पर्सनल मैटर है या कोई पर्सनल चीज़ है, ठीक है, तो फिर कोई दूसरा देख ना ले तो उसके चक्कर में फिर आपको क्या करना पड़ता है, सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने जाना पड़ता है। बट अगर वो ऑप्शन आप इनेबल कर देते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो उससे होगा क्या कि आपको कुछ भी आप सर्च करोगे तो वो सर्च हिस्ट्री में भी नहीं आएगा और आपको डिलीट भी करने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इतना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे YouTube ने लॉन्च कर दिया है। तो उसका हमें कैसे यूज़ करना है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ विथ लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो नॉर्मल होता है कि YouTube सर्च कैसे बिहेव करता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लाइक सर्च करता हूँ हिंदी मूवी, ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी मूवी लग किया, सर्च किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ और वापस से सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी मूवी आ गया। मतलब मेरा जो सर्च वाला ऑप्शन है वो कम्प्लीटली इनेबल है मेरा, ठीक है सर। तो अब मैं आपको वो ऑप्शन के बारे में जानकारी देता हूँ जिससे यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो यहाँ पे सर्च में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम बैक चले जाते हैं, बैक आने के बाद ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया, उसके अंदर जो ये हिस्ट्री एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके अंदर जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आ रहा है पॉज सर्च हिस्ट्री, वो ये यहाँ पे डिसेबल है, ये आपको इनेबल करना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि कैसे बिहेव करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे पॉज पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये भाई हो गया है इनेबल। अभी मैं बैक आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सर्च वाला है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ दूसरा सर्च करता हूँ लाइक मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ, वापस से मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने मोटिवेशनल स्पीच था वो मेरा यहाँ पे नहीं आया। इट मीन्स कि वो जो मैंने किया मतलब मेरा सर्च हिस्ट्री मैंने स्टॉप कर दिया। इस तरह से ये ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो कि आपका कोई भी पर्सनल चीज़ हो, इस तरह से फिर वो सर्च हिस्ट्री में आएगा ही नहीं और ना ही आपको वहाँ पे सर्च हिस्ट्री डिलीट करने जाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी सर्च हिस्ट्री को स्टॉप कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे। हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।